हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई इलेक्ट्रिकल ज्ञान। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आईटीआई छात्रों को कितने घंटे पढ़ना चाहिए जिससे उसे सरकारी नौकरी मिल सके। बहुत ही स्पेशल वीडियो है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और इस वीडियो में आप लोग को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मैं एक निवेदन करूँगा, चैनल पर न्यू आए होंगे तो आपको रेड कलर से जो सब्सक्राइब लिख कर आ रहा है उसको प्रेस कर देना है, नोटिफिकेशन को भी ऑल कर देना है। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, तो मैं उसका भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ डायरेक्टली क्लिक करके जुड़ सकते हैं। तो बहुत सारे जो कैंडिडेट रहते हैं वो पूछते हैं कि सर बताइए कि आई टी छात्रों को कितने घंटे पढ़ना चाहिए और कितने सब्जेक्ट पर कितना टाइम देना चाहिए। तो बहुत ही स्पेशल वीडियो है तो मैं पार्ट बाई पार्ट करके मैं बताऊँगा। तो जितने भी कैंडिडेट होते हैं आईटीआई छात्र, तो आप लोगों को पता होगा कि एक टेक्निकल पोर्शन होता है, एक नॉन टेक पोर्शन होता है। तो दोनों भाग को आप जब तक कवर अप नहीं कीजिएगा तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ऐसा सोचिए कि मैंने सिर्फ थ्योरी में पढ़ लूँगा तो मैं पास कर जाऊँगा कोई भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जैसे DMRC, UPPCL, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आपको दोनों सब्जेक्ट की पकड़ लाना जरूरी है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। दोनों पे जब तक आप फुल्ली फोकस नहीं कीजिएगा, पूरा कंसंट्रेट नहीं कीजिएगा, तब तक आपका सफलता नहीं हो सकते हैं। तो आपको दोनों पे ध्यान देना है। और सबसे ज़्यादा तो आपको पता है कि टेक्निकल क्वेश्चन ही पूछा जाता है, तो आपको टेक्निकल पे ज़्यादा टाइम देना है। तो चलिए मैं बताता हूँ कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए आईटी छात्रों को। तो देखिए, टोटल आपको 8 घंटा पढ़ना है। आप 24 घंटा के अंदर, आपको पता है कि दिन रात मिलाकर 24 घंटा आता है, उसके अंदर आपको 8 घंटा पढ़ना है। तो 8 घंटा कैसे पढ़ना है मैं बताता हूँ। तब मैं पहले बात करूँ टेक्निकल पोर्शन की, तो टेक्निकल में आपको 4 घंटा समय देना है। तो 4 घंटा कैसे कैसे समय देना है, तो थ्योरी के लिए आपको 2 घंटा समय देना है, 2 घंटा ऑब्जेक्टिव के लिए देना है। मान लेते हैं कि मैंने आज DC जनरेटर का चैप्टर पढ़ा हूँ, तो 2 घंटा आपने थ्योरी पढ़ लिया और 2 घंटे आप उसी का ऑब्जेक्टिव बना लिए, यानी कि आपका टेक्निकल पे आपका 4 घंटे का समय डेली जाएगा। ऐसे लगातार नहीं पढ़ना है। तो पढ़ने का तरीका मैं बताऊँ, तो मान लेते हैं कि मैंने 2 घंटा थ्योरी पढ़ा, तो कुछ समय के लिए आप कुछ कर लीजिए, खेल लीजिए, फिर उसके बाद 2 घंटे पढ़िए, फिर 2 घंटे के बाद मान लेते कुछ न्यूज़ देख लीजिए, TV देख लीजिए। तो ऐसे पढ़ना है, रेगुलर आप लगातार नहीं पढ़ना है, तो आपका माइंड ऐसे मतलब कि डिस्टर्ब हो सकता है। आपको कुछ एक्टिविटीज़ कर लेनी है, लगातार आपको नहीं पढ़ना है। तो आपको 4 घंटा समय आपको कभी आपको देना ही है, 4 घंटा आपका टेक्निकल पर देना है। नॉन टेक्निकल पर भी आपको 4 आवर समय देना होगा, 4 घंटे का समय। तो मैं बात करूँ मैथ, रीजनिंग, GK और GS, तो मैथ के लिए आपको 1 घंटा समय देना है, रीजनिंग के लिए आपको 1 घंटा समय देना है, और GK और GS यानी कि जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, इस पर आपको 2 घंटा का समय देना है, यानी आपका टोटल 4 घंटा समय हो गया। तो देखिए, आप जो भी पढ़ते हैं, अगर आपने आधे घंटे ही पढ़ाई की या 1 घंटे ही पढ़ाई की, अगर मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैंने 10 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ, तो हवा में जो पढ़ते हैं वो उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। आपने आधे घंटे ही समय दीजिएगा बुक पे, और अगर आप अच्छे से रीड कीजिएगा तो वो आपको लिए बेनिफिट रहेगा, आपको वहाँ पे बेनिफिट करेगा। तो मैंने जैसे बताया कि आपको टेक्निकल पे 4 घंटा देना है और नॉन टेक पे 4 घंटा देना है, तो आपको इस तरह तैयारी करनी है। और मैंने बताया कि रेगुलर आपको पढ़ना नहीं है, आपको कुछ कुछ घंटे पढ़ने के बाद आपको रेस्ट भी लेना है। जैसे कि मान लेते हैं कि 2 घंटे पढ़ लिए तो कुछ क्रिकेट खेल लिए, 2 घंटे के बाद थोड़ा मान लेते कुछ नाश्ता कर लिए, तो ऐसे पढ़ना है। आप लगातार ध्यान दीजिएगा बुक पे, तो आपका दिमाग भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा कि कैसे क्या करूँ नहीं करूँ। लेकिन हाँ, आपको जो टेक्निकल छात्र होते हैं, अगर सोचेंगे मैं सिर्फ टेक्निकल पढ़ के जॉब ले लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको नॉन टेक पर भी ध्यान देना रहता है, तो आप ज़्यादा टेक्निकल पर फोकस कीजिए, लेकिन नॉन टेक को भी आप लेकर चलिएगा, चूँकि आपके पास टाइम बहुत रहते हैं। तो आप इस तरह तैयारी कीजिएगा तो आपका तैयारी अच्छे से होगा, और इसमें आपको पूरे तरीके से डेडिकेटेड करना होगा। किसी भी जॉब पाने के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है। इस टाइम पे आपको पता है कि बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है, तो आपको मेहनत करके पढ़ना है, ऐसे नहीं हवा हवा ही पढ़ना है, तो जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग इसी तरह तैयारी कीजिए। तो वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा, चैनल पर न्यू होंगे तो फिर से मैं बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि रेड कलर से जो लिख कर आ रहा है उसको प्रेस कर देना है, नोटिफिकेशन को भी ऑल कर देना है। अगर आप मुझे सोशल मीडिया अकाउंट पर जुड़ना चाहते हैं तो मैं उसका भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, घर पर रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए।